सबसे लोकप्रिय चैनल बोलता शब्द लाइव न्यूज और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। अपने शहर को स्वच्छता में अव्वल लाने के लिए ग्वालियर वासियों ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़ा पर स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को प्रेरित करने के साथ ही शपथ दिलाई गई। इस दौरान लोगों ने संकल्प लिया कि वह अपने वार्ड में अपने घर के बाहर और आसपास गंदगी नहीं रखेंगे, साफ सफाई करेंगे। साथ ही नगर निगम के क्लीन सिटी फीडबैक ऐप डाउनलोड करने के लिए भी प्रेरित किया। नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के साथ ही सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। इस कर्म भूमि, संघर्ष की भूमि ग्वालियर, विकास की भूमि, प्रगति की भूमि, अब ये स्वच्छता में देश में नंबर वन बनने जा रही है। आज देश के केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी ने, हमारे लोकप्रिय सांसद विवेक जी ने जन सैलाब को, ग्वालियर के हर वर्ग को, कला का, संस्कृति का, शिक्षा का, समाज से भी जन प्रतिनिधि सबको एक स्वच्छता का संकल्प आज लिया है। आज के बाद हम सबकी जिम्मेदारी है ग्वालियर को साफ हम रखें, अपना ग्वालियर, अपना हम सबका ग्वालियर, मेरा ग्वालियर, ये संकल्प सार्थक होगा। शेजवलकर साहब, मेरा, तुलसी सिलावट जी का, प्रद्युम्न सिंह जी का, सभी का एक संकल्प है कि हमारे ग्वालियर को हमें देश में चमकाना है, और अगर ये हमारा संकल्प है तो ये एक जन अभियान होना होगा, जहां एक एक व्यक्ति इस जन अभियान में अपना योगदान दे पाए, वो यही हमारी कोशिश है और एक शुरुआत है आज से, ताकि ग्वालियर की जो चमक है पूरे विश्व में जगमगा पाए। उसको लेकर और भी लोगों को अवेयरनेस करने के लिए आज बार-बार किया जा रहा है। हम लोग अब अपने 2 घंटे नीचे रख के थोड़ा झाड़ू उठा लिया। ग्वालियर से सोमेश शर्मा की रिपोर्ट।